हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ सेल बायोलॉजी बीएससी बायोटेक फर्स्ट ईयर। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एंड द साइटोसोल इन विच मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गेट स्टक इनटू। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रोटोप्लाज्म, फर्स्ट वी कम टू द टॉपिक प्रोटोप्लाज्म। लेट्स गेट दिस। एवरीथिंग विच इज़ इंक्लूडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, यानी कि जो भी मटेरियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर आता है उसे बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। और इसे और भी क्या कह सकते हैं, इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। मीन्स प्रोटोप्लाज्म किसके कॉम्बिनेशन से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म उसको बोलते हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल प्रेजेंट होता है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है इंक्लूडिंग साइटोसोल एंड द सेल ऑर्गेनेल्स उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं इसको, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जैसे कि लेट अस सपोज ये कोई सेल है, एनिमल सेल मान लीजिए, ये हो गई उसकी सेल मेम्ब्रेन। अब इसे मान लो कि ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक है, ये है प्रेजेंट इसमें न्यूक्लियस। अब जो ये सब प्रेजेंट होगा यहाँ पे, ये जैसे न्यूक्लियोप्लाज्म है, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म है जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है। तो इन दोनों को मिला के जो इस सेल के अंदर कम्प्लीटली जो पोर्शन प्रेजेंट है, जो लिक्विड प्रेजेंट, जो मटेरियल प्रेजेंट है उसे बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। ओके, नेक्स्ट कम टू द सेकेंड टॉपिक विच इज़ साइटोप्लाज्म। अब देखते हैं साइटोप्लाज्म क्या होता है। एवरीथिंग विच इज़ इंक्लूडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, अब ये क्या होता है, जो भी सेल मेम्ब्रेन के अंदर इंक्लूड होता है जो पोर्शन, एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, इसको हाईलाइट करना कि न्यूक्लियस को छोड़ के, एक्सेप्ट द न्यूक्लियस, इट कंटेन्स साइटोसोल एज वेल एज द ऑर्गेनेल्स। यानी कि साइटोप्लाज्म क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोसोल एंड सेल ऑर्गेनेल्स। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस का वाला मटेरियल छोड़ के, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म को छोड़ के और न्यूक्लियस को छोड़ के जो बाकी सारा मटेरियल होता है उसे क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ओके, इसको भी डायग्राम से समझते हैं। एक ये हो गई, मान लो कोई एनिमल सेल ही बनाया मैंने फिर से, ये एक एनिमल सेल मान लो, ये हो गई इसकी सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मान लो इसे, इट्स जस्ट एन आइडिया, इसको एक्चुअल सेल मत मान लेना। जैसे ये मान लो कोई सेल ऑर्गेनेल होगी, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, तो अब देखो यहाँ पे हम साइटोप्लाज्म किसको बोलेंगे, न्यूक्लियस के वाले पार्ट को छोड़ के, एक्सेप्ट न्यूक्लियस, जितना मटेरियल है जो इसमें लिक्विड प्रेजेंट है, जो और सेल ऑर्गेनेल्स है, इंक्लूड माइटोकॉन्ड्रिया और भी लाइसोसोम, राइबोसोम एक्सेट्रा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको बोलेंगे साइटोप्लाज्म। ओके, ये हो गया साइटोप्लाज्म। अब नेक्स्ट आते हैं टॉपिक साइटोसोल पे। तो अब देखते हैं साइटोसोल क्या होता है। द एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म दैट इज़ नॉट कवर्ड बाय ऑर्गेनेल्स, यानी कि जहाँ पे, जिस एरिया में सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी उसे बोलेंगे साइटोसोल। यानी कि साइटोसोल इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ साइटोप्लाज्म माइनस में ऑर्गेनेल्स। यानी कि साइटोप्लाज्म में से जो ऑर्गेनेल्स को हटा के जितना एरिया बचेगा जहाँ पे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होंगी उसे बोलेंगे साइटोसोल। कुछ लोग क्या करते हैं कि साइटोप्लाज्म को ही साइटोसोल कह देते हैं, जबकि ये दोनों सिमिलर नहीं है। साइटोप्लाज्म और साइटोसोल दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं, इन दोनों को कभी भी एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस नहीं कर देना। अब इसको भी डायग्राम से समझते हैं साइटोसोल क्या होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कोई एनिमल सेल है,
ओके, जो उसकी सेल मेम्ब्रेन मान लो, यहाँ प्रेजेंट है उसका न्यूक्लियस, ये कोई भी ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनली को सेल का पार्ट भी कहा जाता है, ओके, कोई भी ऑर्गेनली प्रेजेंट है, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे ऑर्गेनली प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो साइटोसोल क्या कहलाएगा, यहाँ पे इस वाले एरिया में कोई भी ऑर्गेनली प्रेजेंट नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, साइटोसोल, ओके। कभी भी साइटोसोल और साइटोप्लाज्म को रिप्लेस नहीं करना, ये दोनों डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट टर्म्स हैं, तो इसको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ओके।